जल जंगल और जमीन के नारों के साथ बोकारो में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत हथियारों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बोकारो में उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि सरकारी जमीन की लूट और जंगल पहाड़ नदी को माफियाओं से बचाने के लिए उन्होंने यह आवाज बुलंद की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालय, वन विभाग और जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों की मिलीभगत से माफिया फर्जी कागजात तैयार कर संबंधित अधिकारी सरकारी जमीन पर न केवल कब्जा कर रहे हैं बल्कि नदी नाला और पहाड़ काटकर सरकारी संपत्ति को लूट रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। प्रदर्शनकारियों की ये भी शिकायत है कि मामले को लेकर कई बार उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की लेकिन प्रशासन ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इनका ये भी कहना है कि जब वे इस लूट का विरोध करते हैं तो जमीन माफिया जाली कागजातों के जरिए गांव वालों को झूठे मुकदमे में फंसाकर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर आगे भी माफिया की ओर से ऐसा प्रयास किया गया तो वे उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।